नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। टीएमसी पार्टी के प्रतिनिधि वार्ड नंबर 66, मैं सभी शिल्पांचल वासियों से ईद का शुभकामना देता हूं। और जिस तरह अभी कोविड-19 कोरोना वायरस का खतरा हमारे देश में बढ़ रहा है, तो हम लोग ईद भी मनाएं और सरकार का पालन करें, सोशल डिस्टेंस का हमेशा पालन करें और घर पर रही कहीं गरीबों के साथ ईद मनाएं। इसके लिए मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं, धन्यवाद। अहिर अंसारी, कुल थोड़ा चैम्बर, फुलर मेडिकल प्रैक्टिशनर की तरफ से बोल रहा हूँ कि त्यौहार तो ही है, लेकिन इस त्यौहार के मौके पे हम लोगों को इस बीच में एक महामारी भी चल रहा है, ठीक है। इसमें नमाज जो पढ़ना है ईद में, अपने आप को नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद को नहीं जाना है, घर में पढ़ना है नमाज, लोगों से मेल जोल भी नहीं करना है, जितने ज़्यादा हो सोशल डिस्टेंस ही बना कर रखना है और अपने आप को हाइजीनिक मेंटेनेंस रखना है और एक दूसरे से मिलना नहीं है। ये इसी बात को कहते हुए आसनसोलवासी को ईद की मुबारकबाद देते हुए मुस्लिम समुदाय के लोगों को ईद की शुभकामनाएं देता हूँ। इस मुश्किल दौर में भी ईद तो पर्व है, खुशियों का तो मनाना ही होगा, लेकिन मैं सबसे ये आवेदन करूँगा कि आप लोग ईद खुशियों से मनाएं, अपने घर में भी मनाएं और सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करें। दिक्कतें तो बहुत आ रही हैं और आएंगी, लेकिन उन दिक्कतों से हम लोगों को लड़ने का समय है और हम लोगों को लड़ना पड़ेगा। इसमें हम सभी का ही भलाई है। मैं फिर से सभी को ईद की मुबारकबाद देता हूँ। आपका नाम? मेरा नाम राजेश प्रसाद साहु, मैं 60 नंबर वार्ड के काउंसिलर प्रतिनिधि हूँ एवं टीएमसी कुटी ब्लॉक के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी। मैं सीतारामपुर निवासी संजय गुप्ता, गुप्ता मेडिकल के ओनर, सभी आसनसोल वासियों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही साथ ईद को हर्षोल्लास के साथ मनाएं, किंतु सोशल डिस्टेंस को बनाते हुए घर में रहकर मनाएं कि जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं कोविड-19 के, सभी को पता है। हम सब चाहते हैं कि घर पर ही मनाएं, सुरक्षित रहे, सरकार का दिया हुआ आदेश को पालन करें। संजय नोनिया, वार्ड काउंसिलर 58 ढेवीमन कोलेरी, बोरो नंबर 8 चेयरमैन, आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। मैं आसनसोल शिल्पांचल सभी वासियों को मैं आने वाली ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। हमारे मुस्लिम भाई ईद में जो नमाज मस्जिद में जाकर पढ़ते हैं, वो कृपया मस्जिद में ना पढ़े, अपने घर पे ही रह के पढ़े। इससे हम और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंस का मेंटेन करें। जो हमारे देश में अभी जो कोरोना कोविड-19 का जो वायरस फैला हुआ है, उससे बचने के लिए घर पे रहें और साथ ही साथ हमेशा हर वक्त अपने साफ़ सफाई पर ध्यान दें। जिस तरह आपका मालिक हमेशा सैनिटाइज़र का यूज़ करें, मास्क का हमेशा यूज़ करें। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन 102 नम्बर वार्डर काउंसिलर हमें सरोज गर्मकार बोलछि। आसनसोल शिल्पांचल समस्त मुसलमान भाई बोनदे पवित्र ईद हमार तरफ थे आंतरिक प्रीति शुभेच्छा। कोविड-19 निये हमारे सरकार जो निर्देशिका पालन कर पवित्र ईद अपनारा से निर्देशिका मेने पालन करूँ। सुबोधारी, एक्स काउंसिलर वार्ड नंबर 18 आसनसोल कॉरपोरेशन। अभी जो रमजान का महीना चल रहा है, पवित्र रमजान का महीना, और रमजान का ठीक बाद 25 तारीख को ईद आने वाला है, इसमें मैं सबसे पहले सभी मुस्लिम भाइयों को और आसनसोल वासियों को ईद की शुभकामनाएँ देता हूँ। साथ ही साथ ये जो कोरोना का महामारी चल रहा है कोविड-19 का, इसलिए मैं सरकार का जो निर्देश है, मैं सभी को रिक्वेस्ट करूँगा कि सभी इसका पालन करें, अपने अपने घरों में नमाज पढ़ें और खुशी खुशी सभी ईद मनाएं। मेरे तरफ से और मेरे पार्टी की और CPM पार्टी की ओर से सभी को अधिक अधिक शुभकामनाएं। मेरी ओर से ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। इसमें हम सब कोविड-19 से लड़ते हुए इस ईद को मनाएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे।
राज्य सरकार के आदेश का पालन करेंगे। मैं उषा रजक एक्स काउंसिलर 19 नंबर वार्ड कुल्टी और महिला कुल्टी ब्लॉक महिला टीएमसी कुल्टी ब्लॉक से उपाध्यक्ष और एनडी राष्ट्रीय विद्यालय की अध्यक्ष। हमारे एमएलए सबसे प्रिय एमएलए उज्जल चटर्जी जिंदाबाद और महेश्वर दास जिंदाबाद।